18 नंबर क्वेश्चन है, दी एंट्रोपी चेंज इवॉल्व इन दी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ 100 डेसीमीटर क्यूब 827 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताना है, एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस बताना है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है 2 मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ कितने से, 10 डेसीमीटर क्यूब से 100 तक। तो इसमें डेल्टा एस का क्या फॉर्मूला लगेगा कि नंबर ऑफ मोल जो है वो मेरे 2 है और वॉल्यूम जो है वी वन जो है वो कितना है, 10 डेसीमीटर क्यूब है और जो वी फाइनल है वो मेरा 100 डेसीमीटर क्यूब है। तो इसका डेल्टा एस जो होगा वो क्या होगा, एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, राइट। तो यहाँ पे एन आर टी मेरा कॉन्स्टेंट है, वो वाला जो सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, तो टी टू अपॉन टी वन टी क्या है इक्वल, तो वो वाला टर्म क्या हो जाता है जीरो, तो बचेगा कौन सा, एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल यानी कि 2 आर, किसमें है जूल, यानी कि आर किसमें लेना है जूल में, तो 8.303 इंटू एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि लॉग 10 कितना होता है 1, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 2 इंटू 8.303 इंटू 2.303। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 8.314 और ये कितना, ये 8.314, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो ये अप्रोक्सीमेशन देखो कितना आंसर आना चाहिए, 2 यानी कि 16.6, 16.6 को 2.3 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 16 इंटू 2 यानी 32, 32 से ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि कितना है 2.3 है, तो यानी इससे ज़्यादा कितना आएगा एग्जैक्ट जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा यानी कि 38 जो है 38.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है।